हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोइस और आप सब देख रहे हैं डिलीशियस मोइस किचन। तो बकरीद आ रही है और उसी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कलेजी फ्राई। तो सबके घरों में कलेजी बोटी पाए तो रहेंगे ही, तो लाजमी बात है डिलीशियस आपकी फिल वक्त जो ज़रूरत है उसका ख्याल करते हुए हम लोग ये पूरी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कलेजी फ्राई बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है और हमने क्या क्या लिया है। आइए, तो सबसे पहले हमने ली है बकरे की कलेजी, जिसमें से सिर्फ हमने आधी डेट ली है। ये बहुत ही कौला 8 किलो का बकरा था। और कलेजी को सॉफ्ट बनाने की ट्रिक ये है, अगर आप देखेंगे तो मैंने इस पे की परत निकाल दी है। एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है कलेजी के ऊपर, बिल्कुल ही एक छोटी सी मेम्ब्रेन जिसको हम एक परत कहते हैं, वो परत मैंने निकाल दी है, जिसकी वजह से कलेजी इंशाल्लाह सॉफ्ट बनेगी। और कलेजी बनाते वक्त हम सबसे पहले नमक ऐड नहीं करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे। तो हमने आधी डेट ली है, एक बकरे की आधी डेट ली है सिर्फ, आधी कलेजी, आधा फेफसा और आधा जो उसका नरला होता है वो हमने लिया है। उसको हमने धोकर और सिरके के पानी में 15 मिनट डाल दिया था, उसके बाद में हमने उसका पानी ड्रेन करके उसे ले लिया है। और मैं ले रहा हूँ एक मीडियम साइज की प्याज, उसे मैंने बारीक चॉप कर दी है, डाइस कर दी है। और 2 से 3 ग्रीन चिलीज को हमने बीच में से स्लिट कर लिया है। और हाफ अ कप ऑफ रिफाइंड ऑयल, उसी के साथ हमने लिए कोथमीर और थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ा सा हम लेंगे टेस्टिंग पाउडर। और हमने लिए है ये मसाले, जिसमें है गरम मसाला पाउडर, और ये है चाट मसाला पाउडर, ये है धनिया जीरा पाउडर, ये टर्मरिक पाउडर, ये है नमक टेस्ट के मुताबिक, मिर्ची टेस्ट के मुताबिक हम लेंगे, लेकिन अदरक लहसुन हम इसमें ज्यादा डालेंगे, जिसकी वजह से मसाला भी बनेगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। और हसब जरूरत हम इसमें यूज करेंगे पानी। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं कलेजी फ्राई। तो सबसे पहले हम कुकर रखेंगे, पैन टाइप कुकर या फिर आप नॉर्मल कुकर ले सकते हैं। उसमें हम डालेंगे हाफ अ कप ऑफ रिफाइंड ऑयल अच्छा डालिए इसमें। इसके बाद में जैसे ही ये गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे जो हमने डाइस की थी प्याज वो, और उसी के साथ ग्रीन चिलीज। अब हमें इसे अच्छे गोल्डन ब्राउन करना है, इसे अच्छे से तलेंगे हम। तो अब हम इसमें डालेंगे कलेजी और हमें इसे अच्छे से भूनना है बहुत देर तक, ताकि इसकी पूरी जो रॉ स्मेल है वो चले जाए। इसे अच्छे से भूनिए कलेजी, फेफसा और इसमें नल्ला है, आधी देर है ये पूरी। इसको अब हम अच्छे से भूनेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम इसे बना रहे हैं, आप भी हाई फ्लेम ही रखिए। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसे भून रहा हूँ हाई फ्लेम पे, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमें इसका पानी छूटने नहीं देना है और हमें इसे हाई फ्लेम पर ही भूनना है। तो अब मैं ऐड करूँगा इसमें 2 टू 3 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़्यादा ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ अ टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, हाफ अ टीस्पून ऑफ धनिया जीरा पाउडर, हाफ अ टीस्पून ऑफ चाट मसाला, देन हाफ अ टीस्पून ऑफ गरम मसाला, देन गोज इन 1 टीस्पून फुल ऑफ रेड चिल्ली पाउडर। इफ यू लाइक स्पाइसी यू कैन पुट इट 1.5 टीस्पून, आई लाइक मोर स्पाइसी सो आई एम पुटिंग इट मोर। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम टेस्टिंग पाउडर, जस्ट 1/4 टीस्पून, एंड देन आई विल बी एडिंग जस्ट दी कोरिएंडर, चॉप्ड कोरिएंडर एंड करी लीव्स। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे हमें अच्छे से भूनना है। देखिए आप कितनी ज़बरदस्त दिख रही है ये माशाल्लाह से। लग रही है ना लाजवाब माशाल्लाह। तो अब इसे हम थोड़ा भूनेंगे ताकि हम जो स्पाइसेस ऐड किए उसकी रॉ स्मेल चले जाए और उसके फ्लेवर थोड़े एलिवेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा
पानी, जस्ट हाफ अ कप ऑफ वाटर एंड विल गिव इट टू विजल्स, दैट्स इट. नाउ आई एम गोइंग टू कवर इट विथ अ लिड एंड दो विजल हम इसे देंगे, उसके बाद हम इसे भूनकर सर्व करेंगे. तो देखिए हमने दो विजल के बाद खोला है, कितनी शानदार दिख रही है और कितनी स्पाइसी दिख रही है माशाल्लाह से. तो ऐसी अगर आप कलेजी बनाएंगे जिसमें थोड़ी भी बिसान बो नहीं रहेगी और स्पाइसेस की महक मिलकर जो है सो आपको अपनी तरफ खींचेगी ये कलेजी, तो बच्चे आपके सताएंगे नहीं खाने के लिए बल्कि आपको और बनाने के लिए बोलेंगे. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू ऐड सॉल्ट, 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट, दैट शुड सफाइस. या नाउ आई विल गिव इट अ क्विक मिक्स टू इट एंड देन आई एम गोइंग टू मिक्स इट कंटिन्यूसली फॉर 2 to 5 minutes. देन आवर कलेजी विल बी रेडी टू बी सर्व्ड अलोंग विथ अ राइस और अ चपाती एज अ सपोर्टिंग थिंग लाइक दाल एंड दालचा. इट विल गो, इट गोज वेरी गुड विथ दाल और दालचा अलोंग विथ इट. सो डू ट्राई दिस बकरीद एंड लेट अस नो योर रिस्पॉन्स. ऑफ कोर्स यू विल शाउट लाइक एनीथिंग. तो मैं इसे ये टाइम पर निकाल दूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा मसाला वाला कलेजी पसंद है, तो मैं इसी टाइम पर इसे आई विल शट द फ्लेम नाउ एंड आई विल सर्व इट. सो तो चलिए अब मैं इसे सर्व करता हूँ ये खूबसूरत कढ़ाई में. मुझे ऐसी मसाले वाली पसंद है, तो आपको जिस तरीके की पसंद है या फिर आप अगर इसे और सुखाना चाहेंगे तो आप बिल्कुल सुखा सकते हैं, आपके ऊपर है. लेकिन चावल के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा मसाला अच्छा लगता है. और अब हम इसे गार्निश करेंगे कोरिएंडर से, फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर से. तो ये लीजिए बनकर रेडी है कलेजी फ्राई इन डिलीशियस स्टाइल. सो डू ट्राई दिस इन बकरीद एंड लेट अस नो योर रेस्पॉन्स. द अरोमा दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम इट, आई एम लिटरली वॉन्टेड टू शाउट राइट नाउ. सो मेरे हिसाब से खाने वाले और बनाने वाले दोनों भी चीखा मारेंगे. थैंक यू एंड बाय बाय अंटिल नेक्स्ट वीडियो. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एंड मोर डिलीशियस रेसिपी. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन.